तिल नाउ वी हैव सीन परिमुटेशन ऑफ़ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है? अभी तक हमने जो भी परिमुटेशन किया, उसमें ऑब्जेक्ट्स क्या थे? डिफरेंट थे। हालांकि उसमें uh, हमने केसेस किए थे, व्हेन रिपीटेशन इस अलाउड एंड व्हेन रिपीटेशन इस नॉट अलाउड। नाउ लेट्स ट्राइ केसेस ऑफ़ परिमुटेशन ऑफ़

इनफैक्ट ए ए बी को यूज करके हम कितने वर्ड्स बना सकते हैं? हाउ मेनीस ए वन एंड दिस ए एस ए टू नाउ इफ आई कंसीडर दिस टू अल्फाबेट्स डिफरेंट नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ दिस थ्री टेकन ऑल एट इज 3 factorial that is 6 but actual answer is 3 why because in this 6 answer we have a1 a2b also a2a1b but these two arrangements are same because a1 and a2 are identical this means this answer is how many times more it is 2 times more or we can say it is 2 factorial time more because ए वन एंड ए टू कैन बी अरेज इन एनी टू पोजिशंस हाउ मेनी वेज टू फैक्टोरियल वेज अगर हम ए वन एंड ए टू के लिए फर्स्ट एंड थर्ड पोजिशन सिले करते हैं तो इन दोनों पोजिशन में ए वन ए टू को हम कितने वे से अरेज कर सकते हैं टू फैक्टोरियल वे से इसका मतलब ये सिक्स जो आंसर है वो टू फैक्टोरियल टाइम्स ज्यादा है तो आंसर आएगा थ्री फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय टू फैक्टोरियल दैट इज थ्री Suppose we arrange A B C D four letters. Uh, how many arrangements are there? Four factorial. That is twenty-four. Now, if we arrange A A A, A and B using these four letters, of which three are identical, how many arrangements are there? We have A A A B. Then A A B A. Then we have A B A A. And then B triple A these are how many arrangements only 4 arrangements so if i assume this a uh, triple a s a1 a2 and a3 then uh, arrangement of this 4 letters assuming that these 3 are distinct we have uh, 24 arrangements okay now uh, how many times this answer is more suppose uh, we select 3 positions for a1 a2 a3 Suppose, uh, this are position numbers. sometimes uh, okay? फॉर्म में लिया है अगर हम उनके ये, ये तीन प्लेसेस को सिलेक्ट uh, करते हैं तो इन तीन प्लेसेस पे ये ए वन ए टू ए थ्री कितने वे से अरेंज होंगे थ्री फैक्टोरियल वे से अगर हम ए वन ए टू ए थ्री के लिए लास्ट थ्री पोजिशंस लेते हैं तो इन थ्री पोजिशन पे अगेन ये कितनी तरह से अरेन्ज होंगे थ्री फैक्टर वे से ठीक है बट ये जो सिक्स आएगा दोनों केस में आ, ये जो सिक्स है वो एक्चुअली एक ही वर्ड होगा क्योंकि ए वन ए टू ए थ्री आपस में अरेंज होंगे पर उसके बाद वर्तो में क्या दिखेगा सेम क्योंकि हमने ए वन ए टू ए थ्री को क्या लेना है ए लेना है दिस मीन्स इफ आई अज्यूम दिस फोर लेटर्स एज डिस्टिंग फोर फैक्टोरियल आंसर बट दिस हाउ मच मोर द्री फैक्टोरियल फ्रॉम दिस टू एग्जाम्पल वी अंडरस्टैंड जो लेटर जितनी बार आएगा हम उतने फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे फॉर एग्जाम्पल इफ यू वॉन्ट टू अरेज ए एन ट्रिपल बी So, first of all, we will assume that all these five letters are distinct. Then, arrangements will be 5 factorial. But this arrangement is more how many times this is more? Uh, this is 2 factorial multiplied by 3 factorial times more. Because uh, in this 5 factorial arrangement, we have assumed this double A, uh, this uh, A is distinct but in fact these are identical so if we select any two positions of a in that positions a can be arranged in uh, this two a's which are a1 and a2 can be arranged in 2 factorial ways but after this arrangement we have same word so we divide by 2 factorial similarly b is appearing three times then we divide by 3 factorial ठीक है इसका मतलब जो लेटर जितनी बार आएगा उतने फैक्टोरियल से हम डिवाइड करेंगे क्वेश्चन हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म लेटर्स ऑफ द वर्ड मिसिसिपी नाउ दिस वर्ड हैज लेटर्स रिपीटेड सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सेग्रीगेट द लेटर सभी को हम अलग अलग कर लेते हैं वी हैव एम आई एस एस Then I, then we again double S, then I, then we have double P and I. So in this uh, word, we have I and S uh, four times each, M once and P twice. Now there are total 11 letters. Now, how you arrange this 11 letters? That is 11 factorial divided by Joe. लेटर जितनी बार आ रहा है हम उतने फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे आई इज एपियरिंग फोर टाइम्स देन वी डिवाइड बाय फोर फैक्टोरियल एस एपियरिंग फोर फैक्टोरियल पी टू टाइम्स देन वी डिवाइड बाय टू फैक्टोरियल सो दिस आर डिफरेंट वर्ड दिस मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म बाय अरेंजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड्स मिसिसिपी okay try this question find number of uh, 6 digit numbers in which all odd digits and only odd digits are used Okay, इसका मतलब समझ में आया हमें सिक्स डिजिट के नंबर्स बनाने हैं जिसमें सारे ऑड डिजिट्स यूज होने चाहिए और दूसरा कि सिर्फ ऑड डिजिट्स ही यूज होने चाहिए मतलब जो ऑड डिजिट्स हमारे पास होते हैं फाइव ऑड डिजिट्स वन थ्री फाइव सेवन एंड नाइन हमें सिक्स डिजिट के नंबर्स बनाने हैं जिसमें ये पांचों के पांच डिजिट्स यूज होंगे ठीक है और सिर्फ यही यूज होंगे इसके अलावा हम और कोई डिजिट यूज नहीं कर सकते तो जब सिक्स डिजिट का नंबर है और पांच डिजिट अवेलेबल हैं, तो डेफिनेटली यहां पे रिपीटेशन तो होगा किस तरह से रिपीटेशन होगा ऑब्वियसली कोई एक डिजिट कितनी बार आएगा दो बार आएगा अब सवाल यह है कि कौन सा डिजिट दो बार आएगा वन भी आ सकता है थ्री भी आ सकता है मतलब इन पांच में से कोई भी डिजिट दो बार आ सकता है सपोज जो डिजिट दो बार आ रहा है, वो है। वो अगर वन दो बार आ गया तो इन सिक्स डिजिट्स को हम कैसे अरेंज करेंगे दैट इज सिक्स फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय टू फैक्टोरियल है ना आपने यहां पे वन को चांस दिया कि वो दो बार आ जाए हो सकता है कि थ्री दो बार आ जाए सिमिलरली वी हैव फाइव सेवन एंड नाइन एपियरिंग टू टाइम्स तो ये जो आंसर ये जो वैल्यू है वो कितनी बार आएगा फाइव टाइम्स एक बार डबल वन के लिए इसी तरह से एक बार डबल थ्री डबल फाइव डबल सेवन एन डबल नाइन देन व्हाट इज टोटल नंबर ऑफ वेस्ट और टोटल नंबर ऑफ नंबर्स दैट इज Five multiplied by six factorial divided by two factorial.